के बाद कि मेरे पूरे वस्त्र लाल पड़ गए, तो फिर हमको उतारने पर परसों रक्षाबंधन है। सब लोग अपने अपने घर पर बढ़िया प्रेम से रक्षाबंधन रक्षा सूत्र। आपको पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हम लोग? भगवान वामन बनकर के जब बलि के यहां गए तो तीन पग जमीन का वरदान मांगा, और तीन पग जमीन का वरदान देते ही भगवान विराट हो गए। दो पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने, तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर आगे किया कि तीसरा पग यहां रखो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए बलि से, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बलि ने माना, जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मैं जब जब अपने महल में अंदर जाऊं और जब जब महल से बाहर आऊं तब तब आप मुझको दिखो प्रत्यक्ष। भगवान बोले इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ मेरे। अब तुम महल में कब जाओगे कब आओगे मुझे क्या पता, द्वारपाल कोई द्वारपाल खड़ा रहे उसी को पता रहता कब आ जा रहे हो जा रहे हो। बलि बोला यही समझ लीजिए। तो भगवान द्वारपाल बन गए बलि के। अब जब बलि के द्वारपाल ठाकुर जी बने, लक्ष्मी जी को बहुत विरह हो गया, ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, बलि के यहां पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा चलो। बोले मैं नहीं जा सकता, अहम भक्त पराधीन। स्पष्ट शब्द है भागवत में, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा विश्व मेरे पर अधीन है पर मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि भक्त को मैंने वचन दे दिया तो। लक्ष्मी जी बोली आप वैकुंठ नहीं चलोगे? बोले नहीं चलेंगे, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक नहीं जा सकते। तब लक्ष्मी जी ने योजना बनाई और एक दीन सी कन्या बन करके लक्ष्मी जी भीतर गई। राजा बलि के पास पहुंची तो बलि ने कहा आइए क्या सेवा करूं? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप भाई मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी बोली लेकिन ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए इसके लिए कुछ क्रिया होनी चाहिए। तो बोले क्या? बोले मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप लो, आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं लूं, दोनों बहन भाई की रक्षा की जिम्मेवारी बहन भाई ले में, तब मानेंगे कि संबंध हमारा सुदृढ़ होगा। बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे? बोले तो एक काम करते हैं, हम एक सूत्र आपके हाथ में बांध देते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न वे में उसको फ्रेंडशिप बैंड कह देते हैं, या फिर अपने प्रेम का द्योतक हम कुछ ना कुछ भी दे देते हैं, एंगेजमेंट पे अंगूठी पहना देते हैं, किसी से प्रेम हो उसको गले में हार पहना देते हैं, ऐसे ही अपने प्रेम के लिए हम कुछ भी अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है, और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना, उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में? बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है, जगत पिता परमात्मा पर ब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं, वो तो मेरी भक्ति से रीच के द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारपाल थोड़े हैं, बाहर से ठाकुर जी झांक के देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे आज बरी करके ले जाएगी कि नहीं, बेचारे ठाकुर जी वहीं खड़े हैं बलि के यहां। लक्ष्मी जी बोली भैया अब वही मांगा है तो वही चाहिए मुझे, आप मेरा ब्याह। अरे संभव ही नहीं है, उनका ब्याह केवल पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी से होता है, वो और किसी का वर्णन नहीं करते। ये कहते ही वो कन्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया है, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं, अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके और भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, आप विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा मेरे सामने, मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना, ऐसा भाव बताते विनोद में। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने, लक्ष्मी जी को ले जाओ। तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं और उसी को रक्षाबंधन का, उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी हैं, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन, सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी है, और सुनिए पैर एक हाथ से नहीं छूने चाहिए, दोनों हाथ से छुओ और हो सके तो सर रख के प्रणाम करो, लक्ष्मी स्वरूप मानो। बंधुओं ये आजकल जो भारत में हो रहा है ना,
ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी बहनों का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की कन्याओं का कैसे करें। नित्य अपनी माता जी का, नित्य अपनी बहन जी का आशीर्वाद लो, उनके आशीर्वाद से कम पौरुष तो प्राप्त होगा हमको, कम से कम ये सम्मान करना तो सीखेंगे हम। इसलिए भैया ये रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का त्योहार खूब प्रेम से आप लोग मनाइएगा, और जो जो माताएं बहनें यहाँ पे कर सकें, जाते जाते जिसको भी भाव लगे एक एक सूत्र पंडरीनाथ भगवान के चरणों में भी दे जाना। इनसे बढ़िया भैया कौन होगा, बहुत बढ़िया भैया हैं। इसी नाते से सही आपको बार बार आना भी पड़ेगा, हमारे भाई हैं श्री पंडरीनाथ, और यहाँ तो अवसर है, बाकी मंदिरों में तो आप सूत्र बांध ही नहीं सकते, पर यहाँ सूत्र तो शायद ना बांधने दे, पर सूत्र को उनके पास तक पहुंचा तो दोगे, इनको ही भाई बनाओ। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी, लोग कहते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ, राधा रानी से विवाह हुआ ठाकुर जी का। बंधुओं देखो मैं फिर कहूंगा, श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक ही हैं पर दो भावों में विद्यमान है, एक ठाकुर जी का स्वभाव जन्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप है। प्रेमी जनों को, हमारे वृंदावन के रसिक जनों को ठाकुर जी का प्रभाव नहीं देखना, वो केवल स्वभाव वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं, और स्वभाव वाले कृष्ण जो हैं वो प्रेमी कृष्ण हैं, और उन प्रेमी श्री कृष्ण जो नंद नंदन कृष्ण हैं, यशोदा के लाला, उनका विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ है। मैंने कृष्ण जन्म जिस दिन था उस दिन कथा बताई थी ना, कि देवकी नंदन ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जब आए तो नंद नंदन कृष्ण यशोदा जी के बगल में ही है, यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया, एक कन्या है एक पुरुष है। योग माया के कारण वसुदेव जी को लाला दिखा नहीं वहां पर, अपना लाला जैसे ही वहां पर सुलाया तो वो लाला जो यशोदा जी ने जन्म दिया और जो देवकी जी का आया, दोनों एक ही हो गए। और उन्होंने फिर लीला की, जब राक्षस को मारना होता था तो देवकी नंदन स्वरूप आगे आ जाता था, और जब लीला करनी होती थी प्रेम की तो नंद नंदन स्वरूप। जब मथुरा से ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए तो दोनों विलग हो गए, देवकी नंदन ठाकुर जी आगे की यात्रा पर गए, नंद नंदन तो वृंदावन में ही रह गए, वो सदा किशोरी जी के ही हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, उनका विवाह रुक्मणी जी से हुआ। अभी बहुत बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बात, अब उसके आपके जो मन में असमंजस है उसके निराधान के लिए तो वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन में रहना पड़ेगा, वहां के रसिक जनों की बातें सुननी पड़ेंगी, और नहीं तो हम आमंत्रण करें 29 अगस्त से 2 सितंबर तक हम वृंदावन में कृष्ण लीला पर 5 दिन चर्चा करेंगे, वहां इसका और विस्तार से प्रवचन करेंगे, वो सुनना अगर आ सको वृंदावन तो। 5 दिन केवल ब्रज लीला कृष्ण लीला रहेगी, तब हम और विस्तार से बताएंगे। तो नंद नंदन श्री कृष्ण का विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, ये एक बात। दूसरी बात, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी की ही आह्लादनीय शक्ति है, अपनी शक्ति का, अपनी शक्ति से प्रेम किया जा सकता है, अपनी शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, पर विवाह तो उससे किया जाता है जो हमसे विलग हो, जो हमसे अलग हो। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जैसे मैं और मेरी आत्मा अभी एक हैं, पर श्वास रुक जाने पर वो आत्मा अलग हो जाएगी, ठीक वैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी की आत्मा हैं, लीला संवरण के लिए वे दो रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं, नहीं तो किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी में ही है। एक प्रकार से ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं,
रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हुआ, रुक्मणी जी का विवाह किशोरी जी से भी हुआ है। किशोरी जी और कृष्ण दोनों सम्मिलित रुक्मणी जी के वर्ण करता है। ये बड़ा गूढ़ मूल रहस्य है, इसको समझना बहुत ऊंचे स्थिति की बात है, पर ये वास्तविकता है। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो प्राण है, वो प्राण तो सदा अंदर ही रहते हैं, चित्त में ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, विवाह उससे किया जाता जो आपसे अलग है, विचारों में अलग, देह में अलग, आत्मा में अलग, सब चीज में आपसे अलग है। अलग वस्तु को स्वीकार किया जाता है, पर जो अपनी है उसको थोड़ी स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रकट भागवत में विवाह का वर्णन नहीं, पर गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में किशोरी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया, बांडीर वन में कराया, खूब आनंद से कराया, उसकी पूरी कथा आती है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में, उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था सत्राजित मणि, सिमंतक मणि। सिमंतक मणि की योग्यता थी कि वो हजारों किलो सोना, उसकी 6-7 घंटे पूजा करो तो हजारों किलो सोना आता था उस मणि की कृपा से घर में पर दिन। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा? तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा, सत्राजित से कहा, मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, इससे जितना भी धन होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर क्षमा कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे द्वारिका को, द्वारिका में फिर जो कुछ भी होगा उसी धन से होगा, और रही बात तुम्हारी मणि है तो तुमको, तुम जितना कहोगे हम तुमको उतना दे दिया करेंगे। भगवान की बात भी सही थी, लेकिन सत्राजित बोला कि नहीं, मेरी मणि है, जितना धन आएगा सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले, एक बार ही आग्रह करना चाहिए, चाहे भाई से करो, चाहे मित्र से करो, चाहे बच्चों से करो, चाहे पत्नी से करो, आग्रह केवल एक बार करो, दो बार नहीं। भगवान ने एक बार आग्रह किया, सत्राजित ने नहीं मानी बात, ठाकुर जी चले गए। लेकिन वही बात है, कई बार समय ऐसा हो जाता है कि आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी, लेकिन फिर भी समय की वजह से सारा आरोप आपके ऊपर आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की जो कथा है ना, ये हम सब गृहस्थियों के जीवन के लिए कथा बता रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी ने क्या किया, मणि मांगी, मणि उसने नहीं दी। 3 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, वो मणि पहन करके कहीं गया, सबको दिखाता हुआ जा रहा था, वन में जैसे गया, शेर ने मार करके उसकी मणि अपने पास रख ली। शेर को एक भालू ने मार दिया, भालू मणि लेकर के चला गया। 5 दिन तक प्रसन्न लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगा दिया कि ये मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को इन्होंने बंदी बना करके मणि चुरा लिए। और आश्चर्य की बात यह नहीं कि सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगाया, आश्चर्य की बात यह थी कि द्वारिका के लोगों ने मान भी लिया कि हां भगवान ने चुराई है। भगवान जब निकले रथ से तो सब लोग जय जयकार तो कर रहे हैं, पर मन ही मन सब सोच रहे हैं, बताओ परब्रह्म होते हुए भी लोभ खत्म नहीं हुआ इनका है, मणि छुपा के रख लिए प्रसेन की। जबरदस्ती ठाकुर जी के ऊपर आरोप लग गया। भगवान, हम आप सबको ये बात बताते हैं, हम सबके जीवन में ये दिन आएगा ही आएगा, आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो तैयार रहना आएगा। आप कुछ गलत नहीं करोगे फिर भी सारी गलती आपकी मानी जाएगी, सब सारे जितने भी योजना आप बनाओगे उन योजनाओं से गलत आप ही ठहराए जाओगे, ऐसा निश्चित होगा, एक ना एक बार तो होगा। और ये क्यों होगा, ठाकुर जी उस समय आपकी आंख खुलवाएंगे, देख लो भाई कौन कौन तुम्हारे, कोई भी नहीं, सभी तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। भगवान बोले, द्वारिका के लोगों को बसाया मैंने, द्वारिका के लोगों को खिलाता मैं हूं, द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी मेरे से है, द्वारिका में जितने लोग रहते हैं इनका घर मैंने बनवा बनवा के दिया, इन लोगों को जरासंध के युद्ध से बचा करके मैं द्वारिका लेकर के आया, और आज एक व्यक्ति की गलत बात सुनकर के इन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि नहीं एक बार पूछ तो लें कि भगवान ने ऐसा किया कि नहीं, बिना पूछे आक्षेप लगा दिया। यह है संसार, भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम तो इंसान हैं, कैसे बच जाओगे आप।